कोठी तालाब व गणेश बाग, जिसे चित्रकूट के मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास समूचे चित्रकूट को समृद्धशाली बनाता है। संरक्षित होने के बाद जब ऐतिहासिक स्थलों के ये हालात हैं, तो सोचिए जरा उन स्थलों का क्या होगा जो अभी संरक्षण से कोसों दूर हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये ऐतिहासिक स्थल मराठा कालीन है, जल संरक्षण के मॉडल को दर्शाता एक जीवंत स्थल। इतिहासकारों की माने तो इस स्थल में गुप्त सुरंगें भी हैं, जो चित्रकूट से बाहर निकलती हैं, और कुछ रास्ते गणेश बाग और चित्रकूट के कई अंदर स्थानों तक जाते हैं। फिलहाल इतना महत्वपूर्ण स्थान आज बदहाली की कगार पर है। संरक्षण के बाद भी इनके दिन नहीं बहुरे, जो ज्यादा निराश करता है। बताते चले कि वर्ष 2007 में तत्कालीन जिलाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन दिन पर पूजन अर्चन कर मनरेगा के तहत तालाब का खुदाई कार्य शुरू करवाया था, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर मलबा निकला। तत्पश्चात सुंदरीकरण कार्य शुरू होने की जानकारी पुरातत्व विभाग को हुई तो उन्होंने कार्य रुकवा दिया। तब से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। यह अनमोल धरोहर आज भी उपेक्षा का शिकार है। वहीं स्थानीय लोगों की आशंका है कि मंदिर के नीचे खजाना होने के चलते कार्य रुकवा दिया गया है। वहीं यहां नाले से गिरने वाले गंदे पानी, आसपास पड़े कूड़ा करकट और तालाब की गंदगी बताती है कि समाज की नैतिकता के स्तर का भी ह्रास हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि हर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है या हमारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।